हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप जा ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी निफ्टी को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नियत, और उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो क्या हमारे पास इंपोर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं कल के लिए। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है एक SME IPO की फाइनल डेट जो होने वाला है प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग IPO, जहां पर मेरा क्या रहने वाला है पर्सनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस, उसे डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ एक SME IPO की होने वाली है लिस्टिंग ग्रैफी सेट्स IPO, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। और उसी के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट अपडेट सभी के लिए, तो वहां पर उन सभी पॉइंट्स को हम चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले FII और DII डाटा चेकआउट करते हैं कल के दिन का, क्योंकि आज के दिन का अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो कल के दिन FII ने 1260 करोड़ की बाइंग करी थी और वहीं पर DII ने 1030 करोड़ की सेलिंग करी थी। नेट में फ्लैट सा फिगर होने वाला है। उसी के साथ साथ अगर हम सबसे पहले SME IPO की बात कर लेते हैं प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग SME IPO की, तो यहाँ पर अगर मैं इसमें अपना पर्सनल डिसीजन देने की कोशिश करूँ, देखो बींग एन अग्रेसिव होकर मैं इस IPO को अवॉइड कर रहा हूँ, बट बींग एन हाईली अग्रेसिव होकर अगर मुझे जहां पर HNI कैटेगरी में मिनिमम टू मिनिमम 100x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तभी मैं वहां पर जाकर इस SME IPO को अप्लाई करूंगा। सभी नाम से नहीं करूंगा, बट हाँ दो तीन नामों से ही करने की कोशिश करूंगा। ये इसमें मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है, क्योंकि मैं इस IPO को थोड़ा हाईली अग्रेसिव होकर अप्लाई करने वाला हूँ। तो वहां पर कुछ रीजन जो है, सबसे पहले तो इसके फाइनेंशियल की अगर मैं बात करता हूँ, टॉप लाइन में हमें अच्छा इंक्रीज देखने को मिला बॉटम लाइन में, बट बॉटम लाइन में एकदम से सडन इंक्रीज होते हुए देखने को मिला था, जिसकी वजह से थोड़ी शंकाएं मन में आ जाती है। और उसी के साथ साथ जो वैल्यूएशन पॉइंट है वो इसका अच्छे खासे वैल्यूएशन पर प्राइस आ रहा है, मतलब कि महंगे वैल्यूएशन पर आ रहा है, जिसकी वजह से अगर मैं बींग एन अग्रेसिव होकर बोलूँ तो वहां पर थोड़ा सा रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर बींग एन हाईली अग्रेसिव होकर इस IPO को अप्लाई करूंगा, अगर यहाँ पर 100x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है HNI कैटेगरी में। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमारा किसी IPO में रिस्क फैक्टर बढ़ता है तो वहां पर रिवॉर्ड भी हमारा बढ़ जाता है, इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। अगर मैं इस IPO के GMP की आज के टाइम पर बात करूं, तो अभी के टाइम पर जो इस IPO का GMP चल रहा है वो चल रहा है 70% के करीब का, एक डिसेंट सा हमें GMP देखने को मिल रहा है। डिसेंट सा इसलिए बोल रहा क्योंकि एक तो मार्केट अपने मजे ले रही है, मजे से चलती जा रही है, और मार्केट का मूड माहौल, IPO मार्केट का मूड माहौल एकदम जबरदस्त चल रहा है, जिसकी वजह से हमें हर IPO में थोड़ी वो GMP तो वैसे ही इंक्रीज हो जाती है, इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। बट हाँ, इसका इम्पैक्ट पड़ता है लिस्टिंग पे, और वहां पर भी हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और वहां पर भी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिलती है, इस पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बट ऑन द अदर हैंड मेन पॉइंट है इसकी सब्सक्रिप्शन का, किस तरीके से आती है HNI कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन, तभी मैं इस IPO को अप्लाई करने का प्रोग्राम करूंगा। बट ये मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन था इस IPO में। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे IPO की, जहां पर जिस IPO की लिस्टिंग होने वाली है, यानी कि ग्रैफी सेट्स IPO, अगर मैं इसमें लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, पर्सनली मैंने इस IPO को अप्लाई नहीं किया था, बट अगर ये IPO मेरे पास होता तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं किसी भी IPO को सिर्फ लिस्टिंग के लिए ही अप्लाई करता हूँ, और वहां पर अगर ये IPO मेरे पास होता तो SME IPO में तो मेरी हमेशा ही सेम लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रही है कि जैसे ही वो IPO लिस्ट होता है वहां पर मैं इमीडिएटली बुक कर जाता हूँ, फिर उसके बाद मुझे फर्क नहीं पड़ता कि IPO डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है या आधा रह रहा है, क्योंकि वहां पर SME IPO में हमें जल्दी सर्किट देखने को मिल जाते हैं, या तो अपर सर्किट लग जाता है या लोअर सर्किट लग जाता है। क्या लगना कन्फर्म है? कन्फर्म नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास चांसेस होते हैं सर्किट्स लगने के। बट अपर सर्किट लगा फिर तो दिक्कत ही नहीं होती, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता रहता है और उसी के साथ साथ हमें मजे भी आते हैं। बट अगर लोअर सर्किट लग गया वहां पे दिक्कत भी होती है, हम एग्जिट भी नहीं कर पाते हैं, और वहां पर हमारा प्रॉफिट या लॉस बढ़ता रहता है। इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए मैं किसी भी SME IPO के सर्किट के चक्कर से बचने के लिए इमीडिएट बुक करने की कोशिश कर, तो इसी वजह से यहां पर मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी SME IPO में, हर SME IPO में यही बन जाती है कि जैसे ही लिस्ट हुआ बात खत्म हुई, मैं अपना एग्जिट हुआ, और उसके बाद मुझे नहीं फर्क पड़ता। अगर मुझे यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए जाना भी होता है किसी भी IPO में, तो वहां पर अगर मेरा मूड इन्वेस्टिंग का आ जाता है तो मैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड के थ्रू जाता हूँ। और अगर आप लोग चाहते हो कि म्यूचुअल फंड में हम आपकी हेल्प करें, हम आपके पैसे को मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, जब आपको किसी भी फंड के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
तो आपकी पूरी की पूरी क्वेरी को, या फिर अगर आप लोगों को हमारी सर्विस चाहिए बीइंग एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो वहां पर भी आप लोगों की पूरी पूरी हेल्प कर दी जाएगी। नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट जहां पर ये फिर से मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी, जो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग परस्पेक्टिव डिस्कस करी है, उसी के साथ साथ ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के दिन आपको टेलीग्राम पर तीन ट्रेड दी गई थी। सबसे पहली ट्रेड थी VNF की, जहां पर हमने PE ली थी 380 to 390 के प्राइसेस पर, स्टॉप लॉस था 355 का। इमीडिएट बूम हुआ और सीधा 580 तक पहुंच गया, हमारा काम हो चुका था। उसके बाद सेकंड ट्रेड ली, फिर से सेकंड ट्रेड में BNF PE को यूज किया गया, जो सीधा हमने ली थी 300 से 310 के बीच में, जो सीधा पहुंच चुकी थी 370 और हमारा काम फिर से हो चुका था। फिर से हमने एक थर्ड ट्रेड ली थी फिन निफ्टी में, जो हमारा प्योरली और प्योरली हीरो जीरो ट्रेड होने वाली थी, जहां पर फिर से हमने एंट्री बनाई थी 9 से 11 के बीच में और वो सीधा पहुंच चुकी थी 40 पे और हमारा फिर से फाइनल टारगेट हो चुका था। बट यहां पर शो करने का मतलब किसी भी तरीके की जहां पर कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, मैं यहां पर ये शो करना चाहता हूं कि जब हमें मार्केट मौका दे रही है, थ्री ट्रेड्स हमने प्रोवाइड करी और तीन ही बार हमने ट्रेड ली और हमारा काम हो चुका था, तो हमें फालतू में 30 की 30 ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर हम 50 to 100 ट्रेड्स घुमा देते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर मार्केट मौका दे रही है तो वहां पर चौका मारो, नहीं दे रही तो आराम से शांति से बैठे रहो। वरना हम इतनी सारी ट्रेड्स लेते रहते हैं, हमारे अंदर एक चुलसी मस्ती रहती है कि हमें तो लेनी ही लेनी है, कुछ ना कुछ तो करना ही है, बस वही चीज हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में मरवाती है। उस पॉइंट को जब तक हम सुधारेंगे नहीं, हम ओवरऑल में प्रॉफिट में नहीं जा पाएंगे, इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। एनीवे, आप लोग भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मेरा पर्सनल टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा, आप उससे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, आज के दिन हमारी जो रेंज बनी हुई थी, ये है हमारी रेंज। फिर से ऊपर की साइड हमें एंट्री मिली, सस्टेन होगी तो डिफरेंट मैटर है, बट सस्टेन नहीं हुई और हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिल गया। फिर से ये हमारी स्पोर्ट के पास आई और हमें इमीडिएट बाउंस देखने को मिला, मतलब कि अगर हमने प्रॉपरली वीडियो के बेस पर भी काम किया होता तो हमें एक अच्छी मूव्स आज के दिन मिल चुकी थी निफ्टी में दो ट्रेड्स। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, ये रेंज जब तक किसी भी साइड नहीं टूटती है तब तक के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इस पॉइंट को तो हमें समझना पड़ेगा। अब ये रेंज किस दिन टूटेगी वो सिर्फ मार्केट को मालूम है, उसके बारे में हम कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते। बट इमीडिएट सपोर्ट के पास मार्केट आने की कोशिश करे 20,850 की, मेजर सपोर्ट हमें मिलेगी 20,800 की, मतलब कि अगर इस रेंज को नीचे की साइड तोड़े और हमें इमीडिएट स्पेकुलेशन का मौका मिल सकता है 20,800 तक। बट जब तक 20,800 को तोड़कर नीचे मार्केट नहीं जाती है, तब तक के लिए हमें ट्रेलिंग इंपॉर्टेंट हो जाएगी करनी और हमें एक बाउंस बैक की उम्मीद रहेगी जब तक मार्केट उसके नीचे सस्टेन करना शुरू नहीं करती है। रीजन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ऑप्शन चेन डाटा को अगर आप देखोगे तो आप लोग देख सकते हैं 20,800 पर हमें अच्छी पुट सेलिंग देखने को मिल रही है, जहां पर हमें इतनी अच्छी कॉल सेलिंग देखने को नहीं मिल रही, जिसकी वजह से 20,800 हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है। 21,000 अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, जहां हमारी जो अपर रेंज है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा 21,000 से 21,050 की रेंज। हालांकि जो हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैं ऑप्शन सेलिंग में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ऑप्शन चेन डाटा में, जहां पर हमें थोड़े से कम होते हुए देखने को मिले हैं ओआई, जो मार्केट को नीचे की साइड के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसकी डायरेक्शन की तरफ हमें इशारा कर देते हैं, बट इतने ज्यादा कम नहीं है कि हमें टेंशन हो जहां पर। बट हाँ, कम हुए तो एक छोटा सा पॉइंट है, नोट में किया जा सकता है, जो हमें आगे मार्केट में स्टडी पर्पस काम में आने वाला है सीखने के लिए। एनीवे, जो भी इंपॉर्टेंट अगर मेरे कोडिंग सेटअप बनता हुआ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ जैसा कि हमारा हर सैटरडे कोई ना कोई फाइनेंशियल लिटरेसी पर कोई ना कोई हम टॉपिक लेके चलते हैं, तो इस बार का हमारा टॉपिक है SIP, जो है कि आठवां अजूबा। सभी को मालूम है कि जो हमारी म्यूचुअल फंड में SIP होती है वो आठवां अजूबा होने वाली है ड्यू टू इट्स कंपाउंडिंग। बट इस सेशन को लीड करने वाले हैं पैशोतन दस्तूर सर, जो ग्रुप प्रेसिडेंट एंड हेड सेल्स होने वाले यूटीआई एएमसी के, जिसकी टाइमिंग रहेगी 16th of December दिस सैटरडे 6 PM। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बिकॉज हमारा जो भी यहां पर डिजिटल सैटरडे स्कूल में सेशन होता है फाइनेंशियल लिटरेसी पर, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है और जहां पर एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाता। बट हाँ, आपको सेशन ज्वाइन करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन जरूर करनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। सिंपली आपको अपना नेम और मोबाइल नंबर भर के रजिस्टर्ड हो जाना है और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है रजिस्ट्रेशन के लिए।
काफी मजा आने वाला है इस टॉपिक में भी, और जो सर के एक्सपीरियंस, सर की नॉलेज हमें बताएगी, वो हमें काफी कुछ चीजें मार्केट में सिखाएगी भी। एनीवे, जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस किया वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की है। यहाँ पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जन, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।